हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियंका एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू सीटेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप सीटेट की या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडीज क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक कवर करा रही हूँ, जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात कर ले रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का जियोग्राफी और क्लास 6 का साइंस और सोशल साइंस ऑलरेडी हमारा कम्प्लीट हो चुका है और आज हमारा ये फोर्थ चैप्टर होगा। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है वायु, किस तरह की वायु होती हैं, कितने प्रकार के संगठन होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वायु का संगठन दिखाया गया है और वायु की संरचना कितनी प्रकार की है, मौसम, जलवायु, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। और स्टार्ट करने से पहले इतना ही बोलूँगी कि इन वीडियो कि अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे स्टडी स्क्वीज ही सर्च कीजिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे, पिछले चैप्टर में ऑलरेडी क्लासिक्स में इस सब के बारे में बात हो चुकी है। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, टोटल वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। पृथ्वी पर सभी जीव रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ओके, क्या आप जानते हैं, इतने जितने साइड में दिए गए हैं सबको फिलहाल मैं स्किप करते जाऊंगी, इसलिए क्योंकि लास्ट के चैप्टर के लास्ट में मैं इसको कवर कराऊंगी, जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट फिलहाल ले सकते हैं। ओके, अब आती हूँ मैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जिन वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण, याद रखिएगा। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वृत्तारेख में यहाँ पे दर्शाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिएगा। नाइट्रोजन वायु में कितना मिलता है तो 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑर्गन आता है 0.93% और उसके बाद लास्ट में सब आ जाते हैं 0.04%। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो सीटेट के एग्जाम देने वाले हैं, नोट डाउन करते जाइएगा। अब है आगे, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन हमारे लिए और पौधों के लिए, नोट डाउन कीजिएगा। और 78% ये वायु में पाया जाता है। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका रूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका उपयोग कर सके। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा, नाइट्रोजन पौधे जो है नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, तो कुछ जीवाणु जो होते हैं जो पाए जाते हैं वो वायु से इसे नाइट्रोजन में बदल देते हैं जिससे पौधे जो है इनका प्रयोग कर पाते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पापद प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी लाइन छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पापद अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु दोनों कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पापदों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन
कोयला तथा खनिज आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम की जलवायु को प्रभावित करता है। आगे यहाँ पे ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे वायुमंडल की संरचना के बारे में। हमारा वायुमंडल पांच परतों में विभाजित है। क्या है? पांच परत में विभाजित है, नोट डाउन कीजिएगा, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। पहला है हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बर्ही मंडल। ठीक है, अब क्षोभ मंडल के बारे में जान लेते हैं, जो ये फिगर में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, सबसे निचला परत क्या है यहाँ पे? क्षोभ मंडल है, यहाँ पे क्षोभ मंडल है। ठीक है, यहाँ चलिए अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, यानी वायुमंडल की सबसे इम्पॉर्टेंट जो परत है, लेयर है, वो कौन सा है? तो हमारा क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। क्या करते हैं? तो इसी क्षोभ मंडल में ही हम लोग सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। ठीक है, जितने ये सब मौसम घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल के अंदर होती है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट फिलहाल आप लेते जाइएगा। अब आते हैं समताप मंडल पे। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद 50 किलोमीटर तक आप लोगों को आ जाता है समताप मंडल, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं। यह परत बादलों तथा मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, यानी इसमें कम होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। जितने हवाई जहाज उड़ते हैं वो किस में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में, याद रखिएगा। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये भी नोट डाउन कीजिएगा कि ओजोन गैस किस मंडल में होती है, तो वो होती है समताप मंडल में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, एरोप्लेन किस में उड़ता है? तो समताप मंडल में। और ओजोन गैस की परत किस में होती है? वो भी समताप मंडल में। और हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो वो होता है समताप मंडल। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। सिर्फ कीवर्ड्स देखिए, समताप मंडल देखिए, और सारे कीवर्ड्स को आप लोगों को लिख लेना है, ज़्यादा इतना डिफिनेशन नहीं लिखना है। अब आती हूँ मध्य मंडल। वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, उल्कापिंड जितने अंतरिक्ष से आते हैं किस परत में आते ही जल जाते हैं? तो वो है मध्य मंडल। अब आते हैं बाह्य मंडल में। बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, आयन मंडल की इस परत का एक भाग है। ये जो है आयन मंडल का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए ये इस परत का उपयोग होता है। तो रेडियो संचार किस में होता है? सब फिगर में आप देखते जाइएगा, मैं अभी बाद में छोटा कर दूंगी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो होता है बाह्य मंडल में। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। अब आते हैं बही मंडल में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बही मंडल कहते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस से जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यही अंतरिक्ष में तैरती है। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों बही मंडल में तैरते हैं, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। अब आते हैं मौसम की जलवायु के बारे में, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। अब जान लेते हैं हम लोग मौसम की जलवायु के बारे में। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना हो। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसका स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, मौसम क्या होती है? तो वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आंध्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद दे देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु
बताता है, ठीक है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम के दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? अब आती हूँ तापमान पे। यहाँ पे सब दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायुमंडल का तापमान ही जो होता है वो हम लोग महसूस करते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब आर्द्रपन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आर्द्रपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो आर्द्रपन कहलाती है। याद रखिएगा, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा होती है जिसे पृथ्वी रोक देती है उसे हम लोग आर्द्रपन कहते हैं। आर्द्रपन मिस होता है सूर्य तप, ठीक है। आर्द्रपन के मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। भूमध्य से ध्रुवों की ओर घटती है। ध्रुव क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होती है, सब क्लासिक्स में पढ़ाया जा चुका है। सब आप जाके प्लेलिस्ट पे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एक ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु की कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब आते हैं वायु दाब के बारे में। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। सबसे ज़्यादा समुद्र स्तर पर होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक ताप वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के का कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, ठीक है। स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश कब होता है, उच्च दाब के कारण। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं पवन के बारे में। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन अंतर उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पे तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, तो अस्थाई पवन, मौसमी पवन एवं स्थानीय पवन। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अस्थाई पवन, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवन हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, यानी जो निश्चित दिशा में लगातार बहती है उसे अस्थाई पवन कहते हैं। मौसमी पवन, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल जाती है, यानी जैसी ऋतु वैसी उनकी बहने की दिशा होती है। उदाहरण के लिए भारत में मौसमी पवने,
अब स्थानीय पवन के बारे में जान लेते हैं। ये पवन है किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं 90 डिग्री ऊपर दिखाया गया उत्तर, और उच्च दाब यहाँ पे नीचे और उच्च दाब ऊपर दिखाया गया है, और यहाँ पे समझाया गया कर्क रेखा मकर रेखा सब यहाँ पे दिखाया गया, स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा। अब आते हैं चक्रवात, इसको आप मैं बड़ा कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कुछ वर्क आपके लिए भी मैं छोड़ती हूँ हर एक वीडियो में, तो ये आपका टास्क रहेगा आज का, समझ के चलिएगा, होमवर्क है, मुझे ये करना है तभी आप किसी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है? तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। अब हम लोग आर्द्रता के बारे में जान लेते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस प्रकार और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हें जल बूंदों का ही एक समूह होता है, ठीक है? नोट डाउन कीजिएगा। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी का जल के रूप में गिरना वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर फॉर्म जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाके में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। यहाँ तीनों वर्षाओं को यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख लीजिए फिगर में, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब आती हूँ यहाँ पे लास्ट हमारा, इसे भी कवर कर ले रहे हैं। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी एवं सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे अभ्यास है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये रिकॉल होता है, इसे ज़रूर कीजिए, एक नज़र में आप लोगों से हो जाएगा, इसलिए इसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिए, मैं हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ। अब हम लोग जितने यहाँ पे स्कीप किए थे अब इसको कवर कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं वर्षण का दूसरा रूप हिम, सहिम वृष्टि तथा ओला है? नोट डाउन करते जाइएगा, सबको हम लोग रिकवर करते चलेंगे। अब इसको मैंने आप लोग को बोल ही दी थी कि इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आती हूँ यहाँ पे, ओके। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। अब इसको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब नहीं है? नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकता है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है? इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है।
इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप मापी तापमान मापता है, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। वायु दाब मापी वायु दाब को मापता है, फिगर में दिखाया गया है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है, ये भी दिखाया गया है। और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है, सब फिगर द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसको भी कवर कर ले रहे हैं। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखे एवं मौसम की बदलाव का अवलोकन करें, इसको भी कवर हम लोग कर ले हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरब भाग का केवल 1 भाग यानी 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है। ठीक है, इसको भी मैं बिल्कुल छोटा कर दे रही हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसे देख के समझ भी लीजिएगा। अब आती हूँ ऊपर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, यहाँ पे भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु संघनन एवं भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। सबको नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट फिलहाल आप लोग लेते जाइएगा। अब आती हूँ यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग भी हम लोग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप इसको लेते जाइएगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जो हो गया है यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक से जरूर किया कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।